नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस पे दोस्तों बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में इस स्टॉक पे मैं बात तो पिछले तीन चार दिन से कंटिन्यू कर रहा हूं ट्रेडिंग व्यू मेरा भी अपना है लेकिन आज एक रिपोर्ट देखी मैंने जो सुबह बारह घंटे पहले आती हुई दिखी मतलब सुबह नहीं अभी से बारह घंटे पहले आती हुई दिखे और ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं आपको बहुत ऊपर के लेवल्स के बारे में बात चल रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी गई हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड प्लीज पूरी जरूर देखना ठीक है अब ये कहना क्या चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं टाटा स्टील स्टॉक क्लोजेस अब हंड्रेड मार्क फॉर ट्वेंटी टाइम्स टू बाय क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं कि सौ रुपए के ऊपर ये स्टॉक कंटिन्यू इक्कीस दिन से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ट्रेड कर रहा है क्या ये समय सही है खरीदारी करने के लिए आगे देखते हैं शेयर ऑफ टाटा स्टील रुपीज हंड्रेड मार्क फॉर दी फर्स्ट स्ट्रेट डे टूडे सिंगलिंग कहीं ना कहीं दैट द स्टॉक वॉज इन अंसोलिडेशन मोड सिंस अक्टूबर एटीन द स्टॉक द टाटा स्टील स्टॉक एंडेड एट रुपीज हंड्रेड पॉइंट सिक्स जीरो अठारह अक्टूबर को स्टॉक सौ रुपए के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है एंड हैज रिमेंड अब थ्री डिजिट

तो लगभग 17 अक्टूबर को जो था स्टॉक का प्राइस वो 99.55 था और 18 अक्टूबर को ये 100 रुपीस के ऊपर निकला उसके बाद नीचे नहीं गया एनालिस्ट कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर को इस हंड्रेड के ऊपर निकला वन हंड्रेड अराउंड उसके बाद अभी तक नीचे क्लोजिंग नहीं आई है थ्री यानी हंड्रेड के नीचे यहां पे तीर्थंकर दास जी कह रहे हैं टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं जो कि रिटेल अंशिका रिटेल अशिका स्टॉक ब्रोकिंग सेट द शेयर ऑफ टाटा स्टील इज वन ऑफ द वर्थ जनरेटिंग अ ब्रेकआउट अब फॉलिंग चैनल लाइन एट ज्वाइनिंग द लोज ऑफ दिसंबर ट्वेंटी फर्स्ट एंड ट्वेंटी टू जून ट्वेंटी टू एंड द अपसाइड द पैरल स्ट्रिप रिक्नाइजिंग द हाई ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगेंस्ट द सच प्राइस मैं आपको मेन चीजें बताता हूँ ठीक है ट इन्होंने पहले एक लेवल दिया वन हंड्रेड एट का अगर ये वन हंड्रेड एट के ऊपर क्लोजिंग देता है निकलता है तो इट वुलट विल एक्सेरेट द बाइंग सेंटिमेंट एंड हायर लेवल ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी टू वन फोर्टी फाइव कैन बी सीन चैनल पैटर्न ब्रेकआउट जो कि जो ये ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं उसका ब्रेकआउट लगभग स्टॉक को 140 145 चालीस तक लेके जा सकता है तो ये बहुत बड़ी बात चल रही है मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है इसमें, बहुत ऊपर की बात है। इसके लिए आगे हैं। द पास्ट फ्यू डेज ऑफ वॉल्यूमसल्टेशन इज ऑल्सो इंडिकेटेड स्टॉक इज ऑन दाथ टू वर्ड अ ब्रेकआउट पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन वॉल्यूम्स ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और ब्रेकआउट कब होगा 108 के ऊपर और उसके बाद जो चैनल है चैनल है उसका ब्रेकआउट होने के बाद जो लेवल दिख रहा है उन्हें वो लेवल 145 तक स्टॉक को लेके जा सकता है उसके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बता रहे हैं वो नाइनटी है 97 टू हंड्रेड के बीच में ऑन द ऑक्सीटर फ्रंट द डेली फोर्टीन पीरियड आर एस आई 52 से इंडिकेट्स एन अपकमिंग प्राइस कंसोलिडेशन तो काफी बुलिश है यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा तो बाकी ब्रोकरेज हाउसेज की बात करें तो इस स्टॉक की बात करेंशियल करें का टारगेट लगभग वन हंड्रेड ट्वेंटी का ये लॉन्ग टर्म की बात चल रही है और द ब्रोकरेज सेट द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग वेल ऑन इट्स फाइव मिलियन टन पर एन एम कालिंगनर एक्सपेंसन एंड री स्टार्टेड नीलांचल निगम स्पार्टिट नीलास्ट furnace within 3 months of acquisition the steel expect to increase capacity to 40 million ton by fy30 with immediate focus on kalinganar and nilanchal spot nigam limited further spreads are expected to improve going forward spot So overall ब्रोकरेज हाउस तो बुलिश है और वो जो एवरेज टारगेट है उनके वो मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ वन ट्वेंटी ये टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए तो मुझे ये स्टॉक अभी उतना खास नहीं लगता है बट जो रिपोर्ट थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी जहां पे वो शॉर्ट में बोला जाए तो 97 सेवन टू हंड्रेड सपोर्ट देख रहे हैं एक सौ के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देख रहे हैं जहां वो स्टॉक को 140 145 तक ले जा सकते हैं जो पैनल चैनल पैनल का जो ब्रेकआउट बता रहे हैं और सेकंड थिंग इस स्टॉक में यहां से वेल्थ बन सकती है इस तरीके से बोला जा रहा है वेल्थ मीन शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है इस तरीके से बोला जा रहा है तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी बाकी मैं अपना व्यू दे दू मुझे एक सौ रुपए का स्टॉप लॉस दिखता है और अपना टारगेट वन नाइन एंड वन के दिखते हैं जिसमें मैं खरीदारी करने की राय दे रखी है मैंने आपको उसके साथ अभी भी अबीबीएम बने हुए हैं तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर होप आपको वीडियो समझ में आई होगी पसंद भी आई होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डे गाइस